सोलन के परमाणु क्षेत्र में नगर परिषद के चुनाव प्रस्तावित हैं और इन चुनावों को लेकर भाजपा ने अपनी कमर कस ली है और परमाणु के 9 वार्डों में अपने उम्मीदवार भी चुनावी जंग में उतार दिए हैं। गौरतलब ये है कि भाजपा द्वारा सभी 9 वार्डों में इस बार महिलाओं पर दांव खेला गया है। भाजपा के इस फैसले से महिलाएं काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। वहीं सोलन जिला भाजपा के अध्यक्ष आशुतोष वैद्य ने भी चुनावी बिगुल बजाते हुए कहा कि भाजपा ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार चुकी है और उनका जीतना तय है, लेकिन कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के बारे में निर्णय तक नहीं ले पा रहे हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस पिछड़ती जा रही है। भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष वैद्य ने कहा कि भाजपा न केवल महिलाओं के उत्थान की बात करती है, बल्कि इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने परमाणु में सभी वार्डों पर महिला उम्मीदवारों को उतारा है और उन्हें पूरा भरोसा है कि वे इन चुनावों में जीत हासिल कर परमाणु नगर परिषद पर पूर्ण बहुमत से कब्जा करेंगे और वहां भाजपा का चेयरमैन विराजमान होगा। उन्होंने वहीं कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस अभी तक अपने उम्मीदवारों का चयन भी नहीं कर पा रही है और भाजपा ने अपने उम्मीदवार पहले उतार कर आधी जंग तो वैसे ही जीत ली है। आशुतोष वैद्य ने इस मौके पर सभी महिला उम्मीदवारों को बधाई दी और उन्हें अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। परमाणु मंडल ने, कसौली मंडल ने महिला सशक्तिकरण का एक बहुत उत्तम उदाहरण दिया है और परमाणु नगर परिषद में जो महिला प्रत्याशी हमारे अधिक संख्या में 9 के 9 वार्डों में जो हमारे वार्डों में उतारे हैं, उससे हमें लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिला उत्थान को लेकर जो कहती है वो भाजपा करती है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस बार परमाणु नगर परिषद फिर से भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगा और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जीतेगी। मुझे आशा है अभी तक कांग्रेस वाले, कांग्रेस के लोग प्रत्याशियों पर वो मंथन भी नहीं कर पा रहे और आप जो परमाणु में विरोध विपक्षी दल की जो स्थिति है वो आपके सबके ध्यान में है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और निश्चित तौर पर हमारे जिला की पाँचों नगर परिषदें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत है। इसी दिशा में परमाणु से जो नगर परिषद के जो प्रत्याशी उतारे हैं वो सब बधाई के पात्र हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूँ, क्योंकि जो उन्होंने पहले अपने प्रत्याशियों का चयन कर पहले जो शुरुआत कर दी है, निश्चित तौर पर हम उसमें सफल होंगे और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर अपनी नगर परिषद में जो चेयरमैन है वो अपने बनाने में सफल होगी।